हाय फ्रेंड्स, आज एक छोटा एंड बड़ा स्पीकर का क्वालिटी कंपैरिजन होने वाला है, लेकिन दोनों का वाट एकदम सेम है, 10 वाट का है दोनों स्पीकर। तो अभी स्पीकर का जो मेन चीज है वो है स्पीकर का साउंड क्वालिटी एंड इसका बिल्ड क्वालिटी। तो इन दोनों को हम डिटेल में एकदम डिस्कस करने वाला है, तो देखेंगे कौन सा स्पीकर का होता है ज्यादा बेटर ऑल टोटल दिख से। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट स्टार्ट। दोनों को देखो, ये है U1 SP70। तो इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा मिल जाता है, एंड ये है बोर्डस्टोन 650। तो इसका साइज थोड़ा छोटा एंड कम्पैक्ट है। तो दोनों की ये फिनिशिंग की बात करें तो इसमें हमें नेट टाइप के फिनिश मिलता है, जो पकड़ने में उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगेगा, बट इसका ग्रिप एकदम नंबर वन। अगर आपका ये पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो तो इतना आसानी से ये हाथ से छूटता नहीं है। एंड इस तरह इसमें हमें एकदम स्मूथ प्लास्टिक का फिनिशिंग मिलता है, जो पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है गाइस। लेकिन इसका ग्रिप आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो ये ग्रिप के दिख से बोर्डस्टोन 650 थोड़ा बेहतर है एंड थोड़ा कम्पैक्ट भी। तो ये बोर्डस्टोन के साइड की तरह हमें ऑल टोटल कंट्रोलर्स मिल जाता है, एंड ये U1 SP70 के ऊपर की तरफ हमें ऑल कंट्रोलर मिलता है। एंड उसके साथ साथ ये U1 SP70 में पीछे की तरह हमें एक पावर बटन मिलता है। अगर स्विच क्वालिटी की बात करें तो U1 SP70 का मुझे उतना पसंद नहीं आया, सब प्लास्टिक का स्विच दिया हुआ है जो उतना प्रीमियम नहीं लगता। बट ये बोर्डस्टोन में हमें सब स्विच रबर का मिलता है, जो पकड़ने में एंड देखने में थोड़ा प्रीमियम है। ये U1 SP70 का मुझे जो एक चीज़ बेकार लगा वो है इसका पावर बटन, मतलब एकदम ही बेकार क्वालिटी का। वो स्लाइडिंग वाला पावर बटन है ना, ऐसे काम करता है। लेकिन ये U1 में एक एडवांटेज है, इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट एंड 1 USB स्लॉट भी मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली गाना को प्ले कर सकते हैं। तो दोनों स्पीकर को मैंने करीब 1 साल पहले परचेस किया था, इसलिए आपको दोनों में ही माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगा, जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दोनों स्पीकर मैंने 1 साल करीब यूज किया, तो इतने दिन यूज के बाद भी हमें U1 SP70 में करीब 4 से 5 घंटे तक बैटरी बैकअप, बोर्डस्टोन 650 में हमें 5 से 6 घंटे तक बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, मतलब नॉनस्टॉप प्लेबैक एकदम। तो ये ब्लूटूथ रेंज में ये U1 SP70 थोड़ा स्ट्रगल करता है, मतलब उतना कम भी नहीं है। इंडोर कंडीशन के लिए अप टू आपको 8 मीटर तक ब्लूटूथ रेंज मिल जाएगा, जो इंडोर के लिए काफ़ी होता है। तो मेन चीज़ है जो है ये साउंड, तो दोनों में ये थोड़ा पंगा है, मतलब ये U1 SP70 में आपको साउंड का लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बट सब चीज़ का ही तो अलग अलग डिसएडवांटेज होता है। साउंड तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा U1 में, लेकिन इसका इक्वलाइजेशन एंड इसका क्वालिटी साउंड का थोड़ा ये कम है। लेकिन U1 SP70 में आपको बेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन बेस का क्वालिटी थोड़ा कम है। लेकिन आप जितना सोच रहे हो ये बोर्डस्टोन में साउंड कम है, उतना भी ये कम नहीं है। लाउडनेस तो फिलहाल मैं एक डिस्प्ले में सॉन्ग प्ले करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा साउंड के बारे में। यहाँ मेन फंडा है, अगर आप सिर्फ लाउडनेस को प्रेफर करते हो, मतलब क्वालिटी थोड़ा बेकार हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन लाउड एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तो आपके लिए ये U1 SP70 एकदम नंबर वन बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप सिर्फ क्वालिटी को प्रेफर करते हो, मतलब लाउड थोड़ा सा ज़्यादा कम हो फिर भी चल जाएगा, लेकिन क्वालिटी एकदम नंबर वन होना चाहिए, तो आपके लिए यह बोर्डस्टोन 650 ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो भी हो, मेन है यह प्राइस पॉइंट। प्राइस तो आपको बोर्डस्टोन का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बोर्डस्टोन का प्राइस है 1500 रुपये एंड ये U1 SP70 का प्राइस है 1100 रुपये, करीब आपको 400 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अभी प्राइस के हिसाब से कौन सा प्रेफर करें? तो मेन है प्राइस टू वैल्यू फॉर मनी रेशियो, मतलब कितने दाम में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से ये U1 SP70 आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा है एंड इसका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इस हिसाब से ये स्पीकर थोड़ा बेहतर है। लेकिन
आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चाहिए, पैसे को लेकर उतना टेंशन नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा पे कर सकते हो क्वालिटी के लिए, तो आप ये वोटस्टोन 650 ₹400 एक्स्ट्रा देकर परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड सारा क्वाली सॉल्व हो गया, तो फिर भी मेरे हिसाब से आप थोड़ा इन दोनों के ऊपर रिसर्च कर लीजिए, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही मुझे शेयर करना था, मेरा जितना भी ओपिनियन पर्सनल था सब कुछ मैंने शेयर कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल ही गाइस क्या फ्री होता है। तो गाइस मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।